आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण। एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा, मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आदाब नाजरीन, मैं हूं साइमा खान, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। आज के मकाम में हम पेश करने वाले हैं मुल्क के सीनियर सहाफी और सियासत अखबार के मैनेजिंग एडिटर जनाब जहीरुद्दीन अली खान को। किरदार में आज बारी है फिल्म तमन्ना की। आइए आज के इस एपिसोड का आगाज करते हैं मकाम से। तो पेशे खिदमत है खान साहब की दास्तान। उर्दू और अंग्रेजी सहाफत की दुनिया में कामयाबी की नई मिसाल कायम करने वाले सियासत अखबार के मैनेजिंग एडिटर जनाब जहीरुद्दीन अली खान से मिलना वाकई उतना ही दिलचस्प है जितने रंग इनकी जिंदगी में छुपे हैं। आज मकाम में हम खान साहब की जिंदगी के उन्हीं रंगों को पेश करेंगे जो कितनी ही बेनूर जिंदगियों में रंग भरने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जहीरुद्दीन साहब की पैदाइश निजामों के शहर हैदराबाद में हुई थी और अपनी तालीम भी इन्होंने यहीं रहकर हासिल की। इसे वक्त की नाइंसाफी ही कहेंगे कि जब ये महज 3 साल के थे तभी इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया और इनके वालिद अमेरिका चले गए। तब इनकी जिंदगी में उम्मीद की रोशनी बनकर इनके खालूजान आए थे। मेरी पैदाइश हैदराबाद की है और मेरे वालिद फॉरेस्ट में थे और जब मैं 3.5 साल का था वालदा का इंतकाल हो गया और वालिद अमेरिका माइग्रेट कर गए। तो हम लोग 3 भाई बहन थे। तो मेरे खालू जो एडिटर सियासत थे वो लोग अपनी औलाद के वैसा हम लोग को पाले और मैं सबसे बड़ा था। मेरा छोटा भाई है जो 6 महीने का था मेरी वालिदा के इंतकाल के वक्त, वो MCH है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। और मेरी बहन है जो हम दो के बीच में थी, पूरे वेल सेटल्ड है। बिन माँ बाप के बच्चों के साथ दुनिया कैसा सलूक करती है शायद इस बात से इनके खालूजान बाखूबी वाकिफ थे। तभी तो इनके खालू ने इनको और इनके भाइयों को इतनी मोहब्बत दी कि इन्हें कभी भी ये एहसास नहीं हुआ कि ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं। कभी महसूस नहीं होने दिए जिंदगी में ना। अब जो एडिटर है सियासत के, उनके भाई बहन जो है हमारे भाई बहन से बढ़ के है। इतना कभी जिंदगी में ये फील नहीं होने दिए कि हम लोग वालिद नहीं है, वालदा नहीं है, वैसे अपनी औलाद से ज्यादा चाह के रखे। बचपन में इनकी तमन्ना पायलट बनने की थी। वक्त गुजरा और इनकी ख्वाहिशों ने एक मुकम्मल ठिकाना पा लिया। इन्हें गरीब और मजलूमों की खिदमत करनी थी। जब छोटे थे 18-20 साल तक भी एक ही ख्वाहिश थी कि पायलट बनूंगा, मगर जब से अब्बा आबिद अली खान साहब का इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे जिगर चाचा का इन्फ्लुएंस था, दोनों दोस्तान थे और अखबार मिलके निकाले, जब उन लोगों का इन्फ्लुएंस आया तो कम्युनिटी सर्विस जो उनकी सैक्रिफाइस थे, अखबार ऐसे मौके पे निकाले थे वो लोग। पुलिस एक्शन हुआ था हैदराबाद में, पूरे रिच मुस्लिम्स, इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स माइग्रेट हो रहे थे, पूरी दुनिया भाग गए वो छोड़ के हैदराबाद। तो उस कठिन वक्त पे ये लोग अखबार निकाले और अखबार निकाल के ये कोशिश करे कि जो मुस्लिम्स माइग्रेट हो रहे थे उनको ये बताए कि ये मुल्क हमारा है, हिंदुस्तान है, यहाँ पे रहो, मत जाओ छोड़ के, कहाँ भागते रहेंगे, यहाँ पे छोड़े फिर पाकिस्तान गए। आज वो लोग सही थे। आज देखिए पाकिस्तान में जो माइग्रेट करे उनको भी आज महाजिरी बोला जाता है, इक्वल सिटीजन्स भी नहीं मिली है उनको। हर इंसान की चाहत होती है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाए ताकि जिंदगी की गाड़ी वक्त के पहिए के साथ सरपट दौड़ सके। ग्रेजुएशन करने के बाद इनकी तमन्ना भी कुछ ऐसी ही थी। ग्रेजुएट जब हुआ तो अमेरिका जाने की ख्वाहिश थी, अमेरिका जाने। तो जब अब्बा से पूछा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे 18 दोस्त अमेरिका जा रहे थे, तो बोले क्या करते जाके, सिर्फ डॉलर कमाना ही जिंदगी है क्या, ये अपना मुल्क है इसमें रहो, ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया से, क्यों छोड़ना चाहते मुल्क को। तो ऐसी सोच थी उन लोगों की और मैं कभी रिग्रेट नहीं करता हूँ। जो अल्लाह आज मुकाम दिया है, बहुत ज़्यादा इज्जत पैसा जो भी है, ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे इतना मिला है। जब अमेरिका जाने का मौका नहीं मिला तब ये CA की तैयारी में लग गए। इनकी तमन्ना अब CA बनने की थी लेकिन यहाँ वक्त को तो कुछ और ही मंजूर था।
मैं चार्ट अकाउंटेंसी फाइनल ईयर में था और एक एक्सीडेंट हुआ था, सी तो गाड़ी जीप लुढ़का दिया था, तो ये C6, C7, C8 अफेक्टेड है मेरे, तो मैं नेक्स्ट 3 ईयर्स तक सर झुका के पढ़ नहीं सकता था, तो चक्कर आती थी, तो बस एक वो ख्वाहिश थी कि वो फाइनल एक ही ग्रुप बचा था कर लेना बोल के चार्ट अकाउंटेंसी का। मगर मैं समझता हूँ वेरी हैप्पी, अगर वो करता तो मैं ये कामों में नहीं आता था। आज जहीरुद्दीन साहब उर्दू सहाफत की दुनिया के एक जाने माने नाम है और पूरी शिद्दत के साथ कौम की और मुल्क के असली मसाइल की शिनाख्त में जुटे हैं। लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कौम की तरक्की नहीं हो पाने की असली वजह उनके अंदर से उस जज्बे का खत्म हो जाना है। खास तौर पे मुस्लिम्स में एक मायूसी है, एक नेगेटिव मेंटालिटी है। ये तीन चीज अगर मुसलमान छोड़ देगा तो उसको कोई पीछे नहीं रख सकेगा। ये मुल्क से मायूसी है, पॉलिटिकल सिस्टम से मायूसी है, इसलिए है कि वो जॉब्स में थे, लैंडलॉर्ड्स थे। जैसा मैं जिस हैदराबाद आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे पास 43% गवर्नमेंट जॉब्स थे 47 में, आज 3% जॉब्स है। 41% लैंड्स थे, आज 1% भी लैंड नहीं है। तो इससे मायूसी आ जाती है कि हमारे वालदैन, हमारे पुरखों के पास क्या था, हम क्या हो गए। कोई भी कम्युनिटी रहो, कोई भी कौम रहो, तो वो डिप्रेशन है मुसलमान में, मायूसी है, उसको छोड़ना चाहिए, इस मुल्क हमारा है। तो पॉजिटिव एटीट्यूड जब आएगा तो हम तरक्की करेंगे। खान साहब की जिंदगी की दास्तां आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जहीर साहब का कहीं भरोसे से मानना है कि जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो सबसे जरूरी है जहन से नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकालना।